ओके, अब बात करते हैं हम स्पीमैन के बारे में एंड मैनगोल्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में. ठीक है, द वर्क ऑफ हैंस स्पीमैन एंड मैनगोल्ड. अब यहां तक जो था मैक्सिमम चीजें कंसेप्ट के बेसिस पे थी. अब यहां से पूरे एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं. काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ बच्चे होंगे जो कि इसके बाद वाला जो भी पोर्शन चलेगा उसमें बहुत कंफ्यूज होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैम एक ही चीज आप 10 बार 50 बार बता रहे हो, क्योंकि वही होगा. अभी जो हमने चीजें पढ़ी है मैं आपको बता देती हूँ कौन सा पॉइंट बार बार हर बार रिपीट होगा. तो कहते हैं ना, एक नाक ऐसे पकड़ना होता है और एक घुमा के पकड़ना होता है. इसके बाद के सारे कंसेप्ट में नाक घुमा घुमा के पकड़ा गया है, लेकिन हर बार एक ही चीज बोली गई है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड जो है वो एक तरीके से हमारे पूरे चैप्टर में हीरो की तरह काम करेगा. हम 80% मैक्सिमम सिग्नलिंग डॉर्सल साइड की ही डील करेंगे. और आपको भूलना नहीं है कि अभी तक आपने डॉर्सल साइड में क्या क्या देखा है. डॉर्सल साइड में क्या क्या देखा है आपने, कि हमको जो है ग्रे क्रिसेंट मिला है, हमको डॉर्सल साइड में डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप मिला है. इसके अलावा हमें डॉर्सल साइड में अभी अभी हमको पता चला कि डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप के जो डिसेंडेंट सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइजर बनाते हैं, तो ऑर्गेनाइजर भी हमको डॉर्सल साइड में ही मिला है. ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो डॉर्सल साइड में मिलेंगे. तो हम हर बार 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 जो है डॉर्सल एक्सेस के बारे में ही बात करते रहेंगे. वहीं पे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उन्हीं प्रोटीन्स को हम एक एक करके डील करते जाएंगे. अभी तक हमारे सामने इन तीनों की डिस्कवरी आई है. ओके, तो देखिए, तो समझते हैं यहाँ पे एक्सेस फॉर्मेशन के बारे में. तो देखा गया कि जो एम्फीबियंस है उनमें भी दोनों टाइप के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो स्पीमैन जो है उन्होंने न्यूट के ब्लास्टोमियर को जब स्टडी किया, ये रहा न्यूट जो कि एम्फीबियन कैटेगरी में आता है. तो जब न्यूट के ब्लास्टोमियर पे जब इन्होंने स्टडी किया तो इनको देखने को क्या मिला, कि सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, और हर एक न्यूक्लियाई कैपेबल है एंटायर लार्वा प्रोड्यूस करने में. यानी हर एक न्यूक्लियाई को जब आप अलग कर देते हो तो हमें जो है एंटायर लार्वा देखने को मिलेगा. ठीक है, अब ये कैसे हुआ जरा सा हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं. पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्पीमैन के द्वारा जो किया गया था, स्पीमैन ने क्या किया, यहाँ पे न्यूट का गैस्ट्रुला स्टेज लिया. स्पेशली पहले ही गैस्ट्रुला स्टेज नहीं लिया, स्पेशली पहले अर्ली स्टेज लिया. कौन सा स्टेज? 8 सेल स्टेज. ठीक है, 8 सेल स्टेज लिया, और आप देख सकते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड एग को इस तरीके से इसमें लाइगेचर ऐड किया है. लाइगेचर ऐड किया है मतलब कि बांध देना. कोई एक चीज लीजिए और उसको आप टाई कर दीजिए, बांध दीजिए. ठीक है, तो हम कहते हैं इसको लाइगेचर लगा दिया. तो स्पीमैन ने क्या किया, इस तरीके से इस 8 सेल स्टेज को, 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो को इस पे लाइगेचर लगाया, जिससे कि सारे के सारे न्यूक्लियाई एक साइड पे हो गए. आपको सिर्फ 4 दिख रहा होगा, 4 इसके पीछे हैं. ठीक है, तो ये जो है लाइगेचर यहाँ पे लगा दिया. अब आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियाई नहीं है. आगे चल के क्या किया, जब 16 सेल स्टेज आया तो क्योंकि यहाँ पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो somehow क्या किया गया, एक सेल को अलाउ किया गया इस साइड में स्विच करने के लिए. एक न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे माइग्रेट हो गया, और उसके बाद फिर से इस लाइगेचर को और टाइटली बांध दिया गया ताकि कोई भी चीज इधर से इधर ना जाए. उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद 14 डेज तक वेट किया गया कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आता है. 14 डेज के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि हमारे पास जो है 2 लार्वा मिले, वो भी ट्विन लार्वा थे, और प्रॉपर ढंग से कंप्लीटली डेवलप्ड थे बिना किसी इशू के. मतलब कि ये वाला हिस्सा इसने क्या किया, ये भी एक कंप्लीट लार्वा बना,
और ये जहां पे एक ही सिर्फ न्यूक्लियाई माइग्रेट किया था, ये भी जो है एक तरीके से कंप्लीट लार्वा बना। इसीलिए उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट से ये बात कही थी कि हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई वो कैपेबल थे कंप्लीट लार्वा बनाने में। लेकिन जो इनको रिजल्ट मिला उसमें क्या था कि ये वाला जो लार्वा था ये थोड़ा लेस एडवांस था कंपेयर टू दिस लार्वा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ध्यान दीजिए एक चीज को, रिजल्ट इन्होंने 14th डे पे ही देखा है, यानी एक्चुअल में इस वाले सेल को भी 14 डेज मिला और इसको भी 14 डेज मिला, सॉरी 14 डेज नहीं 14th डे में इन्होंने देखा है। तो सिंपल सी बात है कि इसको ज्यादा डेवलप होने का मौका मिला बिकॉज ये जीरो से डेवलप कर रहा है, जीरो से डेवलप करते करते हुए 14th डे पे गया है। लेकिन ये जो सेल है, ये जो एक न्यूक्लियाई माइग्रेट हुआ था, इसको तो मौका कम मिला ना डेवलप होने का, राइट? क्योंकि जिस स्टेज पे ये 16 बन चुके थे उस स्टेज पे ये सिर्फ वन सेल था, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही दिन निकाला गया, तो ये तो नाइंसाफी हो गई। यानी ये जो एक न्यूक्लियाई वाला सेल था इसको कम टाइम मिला डेवलप होने का, जबकि दूसरे वाले को एकदम ठीक टाइम दिया गया डेवलप होने का। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये सेम टाइप के कंप्लीट लार्वा तो बने, लेकिन एक लार्वा जो है वो ज्यादा एडवांस था, ये वाला जो है ये ज्यादा एडवांस था कंपेयर टू दिस वन। यानी इससे मिलने वाला जो लार्वा था वो एडवांस ज्यादा था इसके कंपैरिजन। क्लियर हुआ ये चीज? So that is what mentioned here, the twin larva develop, one is slightly more advanced than the other. Spearman concluded from this experiment that early amphibian nuclei were genetically identical and the each of the cell was capable of giving rise to the entire organism. So genetically identical, यहाँ पर जो है हमको nuclei देखने को मिलते हैं, इसीलिए जब एक nuclei को अलग किया गया तो भी उसने जो है कंप्लीट लार्वा ही बनाया, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। ये एक्सपेरिमेंट उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? सीधा सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन स्पीमैन वाज लाइक स्वाद नहीं आया, कुछ और करते हैं, ठीक है? तो स्पीमैन ने जो है एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने इस तरीके से एग को रखा और इन्होंने डिवीजन यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन देखिए दोनों एग को जिस तरीके से रखा, यानी दोनों ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, एम्ब्रियो है, उसको इस तरीके से रखा है कि देखिए इधर पे जो ग्रे क्रेसेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, ये रहा, ठीक है? और यहाँ पे एग को इस तरीके से रोटेट किया है कि ग्रे क्रेसेंट यहाँ प्रेजेंट है। मैं आपको जूम कर देती हूँ इस चीज को, लुक एट दिस, दोनों का लोकेशन देख लीजिए ग्रे क्रेसेंट का, ठीक है? ग्रे क्रेसेंट जो है दोनों ही ए एंड बी केसेस में अलग अलग प्रेजेंट है। अब देखिए क्या किया गया, इनमें फर्स्ट क्लीवेज अलाउ किया गया, लेकिन ऑब्वियसली जो एग का डायरेक्शन है उसे थोड़ा सा चेंज किया गया। तो देखा क्या गया कि जब एग को उसके फर्स्ट प्लेन से, यानी ए केस में जब आप इस तरीके से एग को डिवाइड होने दोगे तो क्या होगा, ये जो ग्रे क्रेसेंट है ये एक सेल आया, ये दूसरा सेल आया। अब क्या किया, इन दोनों सेल को अलग अलग कर दिया गया और देखा गया कि ये क्या बना रहे हैं। तो देखने को मिला कि दोनों ही सेल से आइसोलेशन में भी जो है नॉर्मल डेवलपमेंट आया, नॉर्मल लार्वा देखने को मिला, ठीक है? दूसरा क्या किया गया, इस केस में देखिए एग को इस तरीके से रखा गया है कि जब पहला डिवीजन होगा तो सिर्फ एक सेल को ग्रे क्रेसेंट मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे ग्रे क्रेसेंट बीच में था, तो जब डिवीजन हुआ तो दोनों ही सेल को ग्रे क्रेसेंट मिला, लेकिन यहां पे जब डिवीजन हुआ तो सिर्फ एक सेल को ग्रे क्रेसेंट मिला क्योंकि जीसी यहां था, इस वाले सेल को ग्रे क्रेसेंट नहीं मिला, ठीक है? जब इनको आइसोलेशन में ग्रो करने दिया गया तो रिजल्ट कुछ ऐसा मिला कि जिस सेल के पास ग्रे क्रेसेंट गया था वो तो नॉर्मली डेवलप किया, जिसके पास नहीं गया था वो सिर्फ एक बेली पीस बन के रह गया। ऐसा क्यों हुआ, कोई महान इंसान मुझे यहां पर इसका रीजन बताना चाहेगा, ऐसा क्यों हुआ?
देखो जरा कौन बच्चा दिमाग चलाता है, क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले। बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे ए सेक्शन में जैसे कि लिखा गया है, अ फर्स्ट क्लीवेज प्लेन नॉर्मली स्प्लिट दिस ग्रे क्रिसेंट इक्वल इनटू इक्वली बिटवीन द टू ब्लास्टोमियर्स इफ दीज सेल्स वेर सेपरेटेड टू कंप्लीट लार्वा डेवलप। जब ये दोनों सेल को यहाँ सेपरेट आउट किया गया, दोनों के पास ग्रे क्रिसेंट गया था, तो इन दोनों ने कंप्लीट लार्वा बनाया। जबकि बी केस में क्या था, बी केस में जो है जब ग्रे क्रिसेंट मटेरियल पास हुआ तो सिर्फ वो एक ही सेल के पास पास हुआ, दूसरे के पास नहीं गया, राइट। तो स्पीमेन वर्क ने इस चीज को रिवील किया, व्हेन द टू ब्लास्टोमियर्स आर सेपरेटेड सच दैट ओनली वन ऑफ द टू सेल इज कंटेनिंग द क्रिसेंट, ओनली द ब्लास्टोमियर कंटेनिंग द ग्रे क्रिसेंट विल डेवलप नॉर्मली। ऐसा क्यों? बिकॉज ग्रे क्रिसेंट के एरिया से गैस्टुलेशन शुरू होता है, और गैस्टुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी एनिमल को एनिमल की आइडेंटिटी देता है। तो भाई साहब जिसमें ग्रे क्रिसेंट है ही नहीं उसमें गैस्टुलेशन कैसे शुरू होगा? और गैस्टुलेशन शुरू नहीं हुआ या फिर गैस्टुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उस सेल को अपनी आइडेंटिटी यानी उस एनिमल को एनिमल होने की आइडेंटिटी कौन देगा? इसलिए तो कोई आइडेंटिटी इसके पास नहीं रही। तो वही बोला है कि नॉर्मल डेवलप करने के लिए एक सेल के पास ग्रे क्रिसेंट होना जरूरी है। ये चीज जो है स्पीमेन के वर्क से रिवील हुई। नाउ यू आर गेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रे क्रिसेंट, कितना इम्पोर्टेंट है। यानी एक सेल से अगर आप ग्रे क्रिसेंट निकाल दो तो वो सेल फिर नॉर्मली डेवलप नहीं करेगा। क्लियर? यस, ये क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो डिटेल में समझा जाए एक्चुअल में, तो हमको जो सेल के पास ग्रे क्रिसेंट नहीं गया था, इसके पास ग्रे क्रिसेंट नहीं गया था, तो इसने जो है एक बेली पीस बना लिया। ठीक है, डिटेल में अगर कहा जाए तो इसे बोला गया बाउट स्टॉक। स्पीमेन ने जो है इसको बाउट स्टॉक कहा। दिस टिश्यू मास वॉज अ बॉल ऑफ एपिडर्मल सेल, यानी ये जो टिश्यू था इस पे सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म बना था कंटेनिंग अ ब्लड सेल एंड मेसेनकाइमल मेसोडर्म एंड द गट सेल एंडोडर्म, बट इट कंटेन नो डॉर्सल स्ट्रक्चर सच एज द नर्वस सिस्टम नोटोकॉर्ड और सोमाइट। और डिटेल में देखा जाए तो ये एक बेली पीस तो बन गया था, लेकिन सारे जो तीन जर्म लेयर होते हैं उसके छोटे थोड़े थोड़े से पार्ट इसके पास बने थे, जैसे कि थोड़ा मेसोडर्म, थोड़ा एक्टोडर्म, थोड़ा एंडोडर्म बना था, लेकिन जो मेन चीज होती है जैसे कि नर्वस सिस्टम नोटोकॉर्ड सोमाइट्स ये सब कुछ नहीं बने थे। ठीक है, तो इसी से ये चीज समझ में आई कि इट अपीयर देन दैट समथिंग इन द रीजन ऑफ ग्रे क्रिसेंट वॉज एसेंशियल फॉर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी ग्रे क्रिसेंट वाले रीजन में कुछ तो ऐसा है जो कि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवा रहा है। ठीक है, अब जब ये स्टेटमेंट आया तो फिर लोगों की उत्सुकता और जागी, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी उनके अंदर थोड़े से और क्रियोसिटी जागी कि यार यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट वाला जो एरिया है ना वो सारा का सारा एरिया कुछ तो रोचा है वहां पे, वहां पे ऐसा बहुत कुछ पाया जाता है। आप यकीन नहीं करोगे आज के दिन भी इस एरिया से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं जो अभी तक सुलझे नहीं है। तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर ऐसा हो जिसको कि इस एरिया में काम करने का मन हो अपने पीएचडी में, तो उसमें से बहुत सी चीजों को उठाकर जो है कंटिन्यू कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइजर के बारे में बताया ना, ऑर्गेनाइजर के बारे में अभी भी ना जाने कितनी चीजें जो रिवील ही नहीं हो पाई हैं। ऑर्गेनाइजर के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजर ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए हैं, बहुत से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं मिला है क्योंकि वो अभी डिस्कवरी में ही नहीं आया। तो ये सारे एरियाज हैं जहां पे काम किया जा सकता है अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं एनिमल सिस्टम पे काम करने। ओके, तो स्पीमेन ने, स्पीमेन के आपने दो एक्सपेरिमेंट देखे, बट स्पीमेन इज लाइक नहीं स्वाद नहीं आया कुछ और भी करते हैं। तो स्पीमेन ने क्या किया, स्पीमेन ने अब अर्ली एंड लेट गैस्टुला जो होता है गैस्टुलेशन स्टेज उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, और इसको करने के लिए उन्होंने एम्फीबियन के तौर पर न्यूट को लिया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो ये नया नहीं है, ये पुराना है, ये हमने स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने अर्ली गैस्टुला लिया, वहां से डोनर रीजन यानी वहां से न्यूरॉन उठाया और एपिडर्मिस एरिया में उसे ट्रांसप्लांट कर दिया। तो देखा कि जिस रीजन को, जिस न्यूरॉन को उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था वो न्यूरॉन अब एपिडर्मिस बना रहा है। क्यों?
क्यों? क्योंकि जिस एरिया में ये गया ये उसी एरिया जैसा बिहेव करना है। ये कब हुआ? अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज में। दूसरा देखिए, जब एपिडर्मिस लिया गया डोनर एरिया से, उसे ट्रांसप्लांट किया गया न्यूरॉन एरिया में, तो एपिडर्मिस अब न्यूरॉन बनाने लगा। ठीक है, अब यही सेम एक्सपेरिमेंट लेट गैस्ट्रुलर स्टेज में भी किया गया। जब न्यूरॉन को लेकर एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया, तो इस बार डोनर सेल जो है न्यूरॉन का न्यूरॉन ही रहा, जबकि एपिडर्मिस को जब न्यूरॉन एरिया में डाला गया तो एपिडर्मिस भी एपिडर्मिस ही रहा, उसने चेंज नहीं किया अपना फेट। तो इससे ये इस कंक्लूजन में पहुंचे, स्पीमन ने कहा कि भाई अर्ली स्टेज में जो सेल्स होते हैं ना वो कंडीशनली डेवलपमेंट शो करते हैं, इसीलिए अपने नेबरिंग सेल के इन्फ्लुएंस में आके वो अपना फेट बदल देते हैं। इसलिए न्यूरॉन जो है एपिडर्मिस के एरिया में आके एपिडर्मिस बनाने लगा, और एपिडर्मिस जो है न्यूरॉन के एरिया में आके न्यूरॉन बनाने लगा। यानी उस वक्त तक जो सेल होते हैं वो प्रॉपर ढंग से कमिटमेंट शो नहीं करते हैं। ठीक है, और इसको उन्होंने कहा कि ये इंडक्शन डिपेंडेंट स्पेसिफिकेशन करते हैं। इंडक्शन डिपेंडेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जहां पे इंडक्शन शामिल है, और इंडक्शन कौन से स्पेसिफिकेशन में देखा जाता है? कंडीशनल में देखा जाता है। तो ये आपने एक नया वर्ड देखा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेट गैस्ट्रुलेशन की, तो देखा गया कि वहां के जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके द्वारा पता चला कि जो लेट स्टेज वाले सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिटरमाइंड होते हैं। डिटरमाइंड यानी दे आर गोइंग टू शो ऑटोनोमस डेवलपमेंट। तो यहां से ये चीज कंक्लूजन में आ गई, इनके द्वारा ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हमने स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहां से ये चीजें सामने आ गई कि भाई जो अर्ली स्टेज वाले सेल थे, गैस्ट्रुलेशन स्टेज वाले सेल, वो स्पेसिफाइड थे एंड इंडक्शन डिपेंडेंट वहां पे डेवलपमेंट कर रहे थे, जबकि लेट फेज वाले जो सेल थे वो क्या थे? वो डिटरमाइंड थे, वो मोजाइक डेवलपमेंट शो कर रहे थे, जबकि अर्ली वाले क्या शो कर रहे थे? रेगुलेटिव डेवलपमेंट शो कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये चीज सामने आई, ये एक्सपेरिमेंट भी उनके द्वारा किया गया। सेम इसी चीज को यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखिए कि जब अर्ली स्टेज में एक्टोडर्म को, ठीक है, न्यूरल एक्टोडर्म को जो है कहाँ डाला गया? दैट इज दूसरे एरिया में डाला गया, जहाँ मतलब कि जो हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना उसी को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे, मतलब पिक्चर के तौर पे यहाँ पे दिखा के रखा है। तो अर्ली गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या किया गया कि जो प्रिजम्प्टिव न्यूरल टिश्यू था वो डेवलप हो गया एपिडर्मिस में। ठीक है, अर्ली स्टेज में हुआ कि भाई इसका नेचर था न्यूरॉन, लेकिन जब इसको एपिडर्मिस एरिया में डाला गया तो ये जो है एपिडर्मिस ही बनाने लगा। लेकिन यही सेम एक्सपेरिमेंट जब लेट गैस्ट्रुलर स्टेज में किया गया, तो जब न्यूरॉन को डाला गया तो ये अभी भी न्यूरॉन ही बना रहा है, एपिडर्मिस नहीं बना रहा, जबकि एपिडर्मिस एरिया में इसको डाला गया था। तो इन सब चीजों से यही चीज सामने आई कि भाई जो सेल्स होते हैं वो अर्ली स्टेज में जो है कुछ खास डिटरमाइंड नहीं होते हैं, लेट स्टेज में जाके डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा किससे क्या क्वेश्चन आए हैं अभी तक। तो अभी तक कंक्लूजन क्या निकला इससे? तो कंक्लूजन ये निकला कि कुछ तो ऐसा है जो ग्रे क्रिसेंट वाले एरिया में प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवा रहा है, ये तो बात सामने आई थी। इसके अलावा क्या पता चला? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लूज केम फ्रॉम द फेट मैप विच शोड दैट ग्रे क्रिसेंट रीजन गिव राइज टू दो सेल दैट फॉर्म द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। यानी ये चीज सामने आई कि जो ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया है वही एरिया आगे चल के कुछ ऐसे सेल्स बनाता है, कुछ ऐसे सेल्स बनाता है जो सेल्स आगे चल के डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप बनाते हैं। यानी ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है कि जो एरिया शुरुआत में ग्रे क्रिसेंट था वो रीजन जो है आगे चल के कुछ ऐसे सेल्स को फॉर्म करता है जो सेल्स आगे चल के डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप बनाते हैं। कनेक्टिविटी मिली जीसी एंड डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप के बीच में। फिर बोला गया कि ये जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है इनका अपना कमिटमेंट होता है कि ये इनवेजिनेट करते हैं ब्लास्टुला स्टेज में, गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करते हैं, और साथ ही साथ जो है ये एंडोमेसोडॉम एज वेल एज नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हम आगे भी देखेंगे। स्पीमन स्पेक्यूलेटेड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रे क्रिसेंट मटीरियल लाई इन द एबिलिटी टू इनिशिएट गैस्ट्रुलेशन। क्यों कहा गया था कि जीसी गैस्ट्रुलेशन करवाता है? अब कनेक्ट कीजिए जरा, हमने कहा जीसी गैस्ट्रुलेशन करवाता है, तो ध्यान दीजिए जीसी वाले एरिया में ही जो सेल होते हैं वही सेल इनवेजिनेट करते हैं
और एक ओपनिंग बनती है, उस ओपनिंग को डॉर्सल ब्लास्टोपोर्टिक कहा जाता है और उसी ओपनिंग के द्वारा गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है। कनेक्टिविटी मिल रही है सब कुछ कि कैसे जीसी गैस्ट्रुलेशन शुरू करवाता है और कैसे डीबीएल गैस्ट्रुलेशन से लिंक है, उम्मीद करती हूँ मिल रही होगी अभी। सो नाउ द स्पीमेन हैज फाउंड दैट द अर्ली गैस्ट्रुला वेर अनकमिटेड बट द लेट गैस्ट्रुला वेर डिटरमाइंड। तो फाइनली जो है स्पीमेन इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके थे कि भाई अर्ली, ये जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उससे ही पता चल गया था स्पीमेन को कि जो अर्ली गैस्ट्रुला वाले सेल होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। स्पेसिफाइड यानी अनकमिटेड, अभी तक उन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन लेट गैस्ट्रुला वाले सेल जो हैं वो डिटरमाइंड हो चुके होते हैं, यानी अपना डिसीजन ले चुके होते हैं कि हाँ हमें बनना क्या है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ओके फाइन, तो स्पीमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, मैनगोल्ड का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मैनगोल्ड जो है स्पीमेन की स्टूडेंट थी, राइट, और लेकिन इनकी लाइफ बहुत लंबा नहीं चला, जितना आई रिमेम्बर आई थिंक इनका 26 इयर्स में ही इनकी डेथ हो गई थी। वो भी एक एक्सीडेंटल डेथ थी, मतलब आई थिंक कुछ इक्विपमेंट जो थी उनके घर में, कुछ हीट प्रोड्यूस करने वाले इक्विपमेंट्स, उस वो इक्विपमेंट जो है एक्सप्लोड कर गया इनके घर में और इनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने आई थिंक 24 या 26 की एज तक जो है स्पीमेन के साथ काम किया था, लेकिन इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, क्योंकि आप देख रहे हो हम इनके कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से अभी इसमें इनकॉर्पोरेट करके पढ़ रहे हैं। तो बहुत से जो है इनके नाम पे बहुत से मेडल्स भी, आपको उसका भी इंफॉर्मेशन जानने को मिल जाएगा। तो स्पीमेन जो है इनके द्वारा भी एक्सपेरिमेंट किया गया था और मैनगोल्ड उनकी स्टूडेंट थी, तो दोनों के द्वारा ही जो है यहाँ पर एक तरीके से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखाया गया, जो भी हमारे पास डॉर्सल एरिया के जो भी फेट थे फ्रॉग के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, उसको डिफाइन कर। तो स्पीमेन मैनगोल्ड के थ्रू जो है कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या एक्सपेरिमेंट थे? अभी तक हम 3 एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं शुरुआत से ही जो स्पीमेन के द्वारा किए गए। अब यहाँ पे मैनगोल्ड का भी कंट्रीब्यूशन आया, क्या था देखते हैं जरा। तो 1924 में स्पीमेन एंड मैनगोल्ड के द्वारा जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट शो किया गया। उनके द्वारा क्या कहा गया कि ऑल द टिश्यू इन द अर्ली गैस्ट्रुलेशन ओनली वन हैज इट्स फेट ऑटोनोमसली डिटरमाइंड, यानी सारे के सारे टिश्यू जो कि अर्ली गैस्ट्रुला में प्रेजेंट रहते हैं, उन सारे टिश्यू में से सिर्फ एक टिश्यू ऐसा रहता है जो ऑटोनोमसली डिटरमाइंड रहता है। इस टिश्यू को, ठीक है, या इस सेल को जो ऑटोनोमसली डिटरमाइंड रहता है, इसको नाम दिया गया डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप। इसे सेल्फ डिटरमाइनिंग टिश्यू कहा गया, एक ऐसा टिश्यू जिसे हमने ग्रे क्रेसेंट से डिराइव किया है, यानी ग्रे क्रेसेंट वाले रीजन में कुछ ऐसे सेल बने हैं जिसे हम कहते हैं सेल इज डिराइव फ्रॉम ग्रे क्रेसेंट, और उस एरिया में डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप बना। डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप के पास प्रॉपर्टी होती है दैट इज ऑटोनोमसली काम करने की, यानी इसको जिस भी रीजन में रखोगे ये अपना ही काम करेगा, दूसरे की तरह इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा। और ये कहां पाया जाएगा? ऑब्वियसली डॉर्सल साइड में, दैट इज अपोजिट टू द स्पर्म एंट्री। तो क्या किया गया जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां पे एक्चुअल में जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, थोड़ा कलर का ध्यान रखा गया है, कलर अलग अलग लिया गया डाई के फॉर्म में, और ये एक्सपेरिमेंट जो है यहां पे मैं आपको स्पीसीज बता देती हूं, दैट इज ये दोनों स्पीसीज पे किया गया, ये क्रिस्टेटस एंड टाइनीरेटस, टी टाइनीरेटस एंड टी क्रिस्टेटस, इन दो पे जो है किया गया, इन दोनों के गैस्ट्रुला स्टेज पे किया गया। अब देखिए हमें रिजल्ट क्या मिला, मेनली जो है यहाँ पे न्यूट के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो क्या मिला देखिए, यहाँ पे ये आप ले लीजिए एक एम्ब्रियो है और ये दूसरा एम्ब्रियो है,
इस एम्ब्रियो का जो भी कलर इन्होंने लिया है, रेड लिया है, डाई का इस्तेमाल किया गया ताकि हमें रिजल्ट में डिफरेंस दिख सके। और ये वाला देख सकते हैं आप, येलो कलर में है, ये रेड कलर में है। तो क्या किया गया, इस एम्ब्रियो वन से जो है ये वाला रीजन यानी डॉर्सल ब्लास्टोपोलिप को ले लिया गया, फाइन। और दूसरे एम्ब्रियो के अपोजिट साइड यानी वेंट्रल साइड में इसको देखिए रेड वाले को ट्रांसप्लांट कर दिया गया, ओके। और इसी एम्ब्रियो में डॉर्सल साइड भी है जहां पर ऑलरेडी जो है यहां पर प्राइमरी इनवेजिनेशन शुरू हो चुका था, यानी यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका था। अच्छा, ये जो डीबीएल ट्रांसप्लांट किया गया, बोला जा रहा है कि ये प्रिजम्प्टिव एपिडर्मिस में ट्रांसप्लांट किया गया। प्रिजम्प्टिव एपिडर्मिस मतलब कि फ्यूचर में इधर वाले सेल जो हैं एपिडर्मिस बनेंगे, यानी ये जो बाहरी सेल्स हैं, ये जो बाहर वाला लेयर है ना एक्टोडर्म का, तो वेंट्रल एरिया में जो एक्टोडर्म पाया जाता है फ्यूचर में, वो वहां पे स्किन बनाता है। तो बोला गया कि इस डीबीएल को जो है एक एम्ब्रियो से लेकर दूसरे एम्ब्रियो के एपिडर्मिस रीजन में डाल दिया गया, इसलिए मैंने कहा वेंट्रल रीजन में डाला गया क्योंकि वेंट्रल रीजन में ही एपिडर्मिस बनता है, डॉर्सल रीजन में एपिडर्मिस नहीं बनेगा वहां पे, ओके। तो क्या किया गया, देखिए अब इसको आगे चल के डेवलप होने दिया गया। तो देखने को मिला कि जब ये डेवलप कर रहा है तो प्राइमरी इन्वेजिनेशन तो यहां से शुरू था ही, यानी यहां से गैस्ट्रुलेशन शुरू था ही, लेकिन जहां पे आपने ट्रांसप्लांट किया ना वहां से सेकेंडरी इन्वेजिनेशन शुरू हो गया, ठीक है। और जब इसको आगे और स्टडी किया गया तो देखा गया भाई साहब इधर भी गैस्ट्रुलेशन शुरू था और इधर भी गैस्ट्रुलेशन शुरू था, तो कोई मुझे बताएगा इससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है, एनीवन? कोई मुझे अच्छा सा नाम बताएगा इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकलने वाला है, दैट इज सेकेंडरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यानी सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन, यानी एक ही बॉडी में दो एक्सेस फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमने कहा था फिलहाल में कि अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में सिर्फ एक ही टिश्यू ऐसा होता है जो ऑटोनोमसली डिटरमाइंड होता है, जिसको हमने डॉर्सल ब्लास्टोपोलिप कहा। जब मैंने डॉर्सल ब्लास्टोपोलिप को यहाँ पे वेंट्रल रीजन में ट्रांसप्लांट किया तो डॉर्सल ब्लास्टोपोलिप वाला रीजन क्या करता है, गैस्ट्रुलेशन शुरू करता है। तो देखिए वो इस एरिया में आके भी देखिए गैस्ट्रुलेशन ही शुरू कर रहा है, तो क्या इसने अपना फेट चेंज कर लिया? क्या डीबीएल ने अपना फेट चेंज किया? नहीं किया, राइट। डीबीएल ने अपना फेट चेंज नहीं किया, इसलिए बोला गया कि ये जो है ऑटोनोमसली डिटरमाइंड होता है, और ये जहां गया यहां पे भी जाकर इसने जो है गैस्ट्रुलेशन ही शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास कि हमें सेकेंडरी एक्सेस देखने को मिलेगा। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि ये सेकेंडरी एक्सेस कैसे देखने को मिलेगा। स्पेशली जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट में होस्ट से जो नया एक और बॉडी फॉर्म हुआ रहता है वो फेस टू फेस कॉन्जॉइंट होता है, यानी पेट के बल पे जुड़े रहते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, तो ये वाला थोड़ा एडवांस है, ये प्राइमरी एक्सेस से बना है, और ये वाला जो हमने डीबीएल ट्रांसप्लांट किया उससे बना है, थोड़ा सा लेस एडवांस है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका था गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद यहाँ शुरू हुआ है। पिक्चर देख लीजिए, क्लियर कीजिए, सब चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? देखिए यहाँ पे भी एक ट्विन लार्वा हमको मिला है एक दूसरे से जुड़े हुए, यहाँ भी डीबीएल ट्रांसप्लांटेशन के कारण ही ये भी रिजल्ट मिला है, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही ट्विन लार्वा मिले हैं, यानी सब में जो है एक तरीके से क्या हो गया है, सब में सेकेंडरी एक्सेस फॉर्म हो गया है। प्राइमरी एक्सेस जब फॉर्म होता है तो भाई हमको जो है ल्यूमेन मिलता है गट का, जो हमने कल पढ़ा था, नोटोकॉर्ड मिलता है, सोमाइट्स मिलता है, न्यूरल ट्यूब बनते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी एक्सेस फॉर्म हो रहा है तो देखिए सब कुछ वैसे ही फॉर्म हो रहा है, सोमाइट्स इधर भी बन रहे हैं, न्यूरल ट्यूब बन रहा है, नोटोकॉर्ड बन रहा है, ल्यूमेन बन रहा है गट का, तो सब चीजें तो रिपीट हो जा रही है ना। तो एक बॉडी एक्सेस इधर से बन जाता है, एक बॉडी एक्सेस इधर से बन जाता है।
ठीक है। तो बेली यानी पेट के बल पे ये दोनों एक दूसरे से कॉन्जॉइंट होते हैं और इनका एक दूसरे की तरफ फेस होता है, ऐसा कुछ हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। बताइए एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ ये स्पीमेन के द्वारा, स्पीमेन एंड मैनगोल्ड के द्वारा? ने ध्यान दिया होगा अभी भी हमारा फोकस डॉर्सल साइड पे है, टीबीएल को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं डॉर्सल साइड, जीसी के साथ काम कर रहे थे डॉर्सल साइड, ठीक है। और एक तरीके से आप ध्यान देंगे कि जब हमने वेंट्रल एरिया में डीबीएल को ट्रांसप्लांट किया तो डीबीएल ने वहां काम करके वहां से गैस्टुलेशन शुरू करके वेंट्रल साइड को डॉर्सल में बदल दिया एक तरीके से, क्योंकि जो काम वो वेंट्रल साइड में कर रहा है वो सारा काम डॉर्सल साइड का है, तो हेंस ये वाला साइड भी डॉर्सल हो गया, ये वाला साइड भी डॉर्सल हो गया, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर थोड़ा सा स्पीमेन जो है यहाँ पे रुके और उन्होंने फिर से कुछ कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया? ये जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है और इनके जो डेरिवेटिव है ये क्या बनाते हैं, ये नोटोकॉर्ड बनाते हैं एंड एंडोमेसोडर्म बनाते हैं एज दी ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ऑर्गेनाइजर भी मोर और लेस ऐसा ही काम करता है। तो इन्होंने कहा बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे इंड्यूस द होस्ट वेंट्रल टिश्यू टू चेंज देयर फेट टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्म टिश्यू। तो इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने डॉर्सल साइड के सेल को, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप को जब वेंट्रल टिश्यू में ट्रांसप्लांट किया तो वहां पे ट्रांसप्लांट होने के बाद वो डीबीएल ने वेंट्रल टिश्यू को जो है चेंज कर दिया, उसके फेट को चेंज कर दिया और वहां पे भी न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्म बनाने लगा। और दूसरा बोला गया कि दे ऑर्गेनाइज होस्ट एंड डोनर टिश्यू इनटू द सेकेंडरी एम्ब्रियो विथ क्लियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। और जो ट्रांसप्लांटेशन किया गया उस ट्रांसप्लांटेशन से क्या हुआ कि होस्ट और डोनर टिश्यू जो है सेकेंडरी एक्सिस के फॉर्म में एक दूसरे के सामने ऑर्गेनाइज हो गए जिनके पास अपना अपना एक्सिस था। तो अब सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजर फॉर्म कैसे होता है? तो ऑर्गेनाइजर फॉर्म कैसे होता है इसका अभी भी प्रॉपर ढंग से जवाब नहीं है, उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे आती है उसका भी अभी तक जवाब नहीं मिला है। लेकिन कहा गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजर हैं ये सही वक्त पे सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाते हैं दो सिग्नल को स्टार्ट करके। वो दो सिग्नल क्या होते हैं? वो दो सिग्नल होते हैं, पहला सिग्नल होता है जो बताता है सेल को कि भाई जहां पर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट है वो साइट डॉर्सल है और जहां पे ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट है वो साइट मेसोडर्म है। यानी कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजर इज लाइक हम जहां पे खड़े हो जाए वहीं से डॉर्सल और मेसोडर्म शुरू होते हैं। यानी ऑर्गेनाइजर जहां पे पाया जाता है वो साइड डॉर्सल एरिया होता है और जर्म लेयर के मामले में उसका नेचर मेसोडर्म होता है, इसीलिए हम ऑर्गेनाइजर को एक साथ कहते हैं डॉर्सल मेसोडर्म। यानी डॉर्सल साइड में पाया जाने वाला मेसोडर्म कोई कह दे तो समझ लेना भाई साहब वो ऑर्गेनाइजर की ही बात कर रहा है। तनिया ऑब्वियसली लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मल, क्लियर। तो यहां से आपको पता चला कि ऑर्गेनाइजर का नेचर क्या है। ऑर्गेनाइजर का नेचर है दैट इट इज अ डॉर्सल मेसोडर्म इन नेचर, ठीक है। तो अभी देखिए कहानी को जरा मैं कनेक्ट करती हूँ। हमने कहा कि जीसी के जो डिसेंडेंट्स हैं, जीसी से जो डिराइव होने वाले सेल्स हैं वो आगे चल के क्या बनेंगे, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप बनेंगे। और हमने ये भी कहा कि डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप के जो फ्यूचर डिसेंडेंट्स होंगे वो क्या बनेंगे आगे चल के, ऑर्गेनाइजर। कहानी समझ में आ रही है अब?